जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता का, सल संगत का शुक्राना, मेरे प्यारे डुगरी वाले गुरु जी महाराज जी का शुक्राना। और जल्दी से ज्वाइन कीजिए और मैं माफी मांगती हूँ कि मैं बिना नोटिफिकेशन के आ जाती हूँ संगत जी, तो क्या करूँ संगत जी, सब गुरु जी की मर्जी है। जब उन्होंने मुझे आपके सामने लाना है वो ले आते हैं, और जब उन्होंने बंद करना हो फोन वो बंद भी करा देते हैं, चलता फोन। तो जिंदगी ही एक्चुअली उन्हीं के नाम है, वो जो कराएंगे वही मैं करूँगी। और शुक्राना गुरु जी का दर्शन देने के लिए, जो कल हम डुगरी गए हैं गुरु जी के दरबार, गुरु जी ने बुलावा भेजा एक्चुअली संगतों के साथ, और वहाँ से जो गुरु जी चल के मेरे साथ आए हैं, ये है वो संगत जी। आई एम सो ब्लेस्ड, और आप संगतें भी बहुत ब्लेस हो जो गुरु जी के ये स्वरूप के दर्शन कर रही हैं, और वहाँ से ये ब्लेसिंग मुझे वहीं के जो लोग हैं वहाँ रहने वाले डुगरी के, तो उनसे ये मिली है, और वहीं के जो हैं स्थाई स्थानीय जो लोग, उनसे एक पारिवारिक सा मेरा माहौल बन गया, एक परिवार मुझे वहाँ गुरुजी ने दिया है, मुझे ब्लेस किया है। और संगत जी, हमेशा मैं कहती थी कि मेरा मायका, और गुरुजी ने सच्ची में मुझे वहाँ मायका दिया है, और मेरे मायके वालों ने साक्षात गुरुजी को मेरे साथ भेजा है, और ये ब्लेसिंग मुझे वहाँ से मिली है। तो शुक्राना गुरुजी का, और गुरुजी को जो जो भी देख रहे हैं सभी को गुरुजी लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी, कल आपने देखा है बेटा, इसमें नमक तो नहीं डाला आपने, तो कल आपने देखा है कल कितना हंगामा हुआ है ना। तो कुछ चीजें देखिए गलत होती हैं। पहले सभी को जय गुरु जी, हेमा सानी आंटी जय गुरु जी, सीमा दत्ता जय गुरु जी, टोनी सिंह जी जय गुरु जी, मान्यता जी जय गुरु जी। तो कुछ चीजें क्या गलत होती है, आस्था से खिलवाड़। तो एक अंकल जी ने आस्था से खिलवाड़ किया, और देखो हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म में रहते हैं, हमने सनातन सीखा है, हमने सनातन पढ़ा है, और हमारे हिंदू धर्म में पत्थर को भी पूजा जाता है संगत जी, और हम बिलीव करते हैं कि पत्थरों में भी भगवान है। राम नाम का पत्थर आज भी तैरता है पानी में, हनुमान जी की जो मूर्ति है पत्थर, वो भी एक पत्थर है, शिवलिंग क्या है पत्थर, लेकिन हमें उनमें देवी देवताओं का वास दिखता है, और हम एक ऐसे धर्म में पले बड़े हैं जहाँ पत्थरों को भी पूजा जाता है। तो ऐसे माहौल में कभी खिलवाड़ ना करें। एक अंकल की कल तेजी से वीडियो वायरल हुई, और वो जब हम वहां दरबार पहुंचे हैं, हमारे से पहले की ही वो वीडियो वायरल हो चुकी थी, वो आई थिंक 11-12 बजे की बात है, तो हमारे पास भी वीडियो आई, हमने भी शेयर की। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता उसमें बहुरूपी है, हमें ये पता था कि उसमें गुरु जी का एक रूप दिखा रहे हैं। और कल के दिन संगत जी, ऊपर वाला जो दरबार है वो बंद था, जो भी डुगरी में गए हैं वो सब जानते हैं कि सीढ़ियां चढ़ के ऊपर फ्लोर पर जाना पड़ता है। पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें संगत जी, ताकि ये गुरु जी का आशीर्वाद सभी को मिले, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी की स्क्रीन पे नहीं जाती है, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उसकी सेटिंग मुझे करना ही नहीं आ रही कि कैसे होती है वो सेटिंग की, आप सभी को मेरी नोटिफिकेशन आए, तो वो सेटिंग नहीं मुझे आती। अनुपमा जी जय गुरु जी, डिम्पल जी जय गुरु जी, नैन्सी जी जय गुरु जी, स्वाति जी जय गुरु जी, और गुरु जी का शुक्राना। आप सारी संगते जैसे ही मिलाई बाती हूँ आप जुड़ जाती हैं, तो यही आपका प्यार जो है मुझे हिम्मत देता है। अलीशा कपूर जी जय गुरु जी, पिंकी गुप्ता जी जय गुरु जी, जिनके मैं नाम नहीं ले पाई हूँ मुझे माफी दीजिएगा, आपको भी जय गुरु जी, डिम्पल भगत जी जय गुरु जी। तो संगत जी, जो जो लोग डुगरी गए हैं उनका ऊपर का जो पोर्शन उन्होंने देखा है गुरु जी के दरबार, सीढ़ियां चढ़ के जो जाते हैं वहां, वो कल बंद था, और जब वो बंद था तो वहां के दर्शन ना हुए, और नीचे के सिर्फ दर्शन हुए आपके नीचे वाले फ्लोर के जो गुरु जी का, तो वो एक जो ऑरा था ना जो हम फील करने गए थे, वो जो एक हैप्पीनेस थी ना, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं हुई कल, सच्ची बताऊं तो जब वो फील नहीं हुई, और मुझे उधमपुर से एक रिद्धिमा संगत है उनका फोन आता है, और भी बहुत सारी संगतों के मुझे फोन आते हैं, आंटी आंटी एक गुरु जी की वीडियो वायरल हो रही है, देखो कल आपको गुरु जी वहां दिखे हैं। तो भाई मैंने ये वाला सीन अपनी आंखों से नहीं देखा, मुझे वहां गुरु जी नहीं दिखे, ये वीडियो मेरे पास आई तो मैंने भी शेयर की, क्योंकि वही बात आ गई कि हम विश्वास करते हैं हर चीज पर, आस्था पे हम विश्वास करते हैं। और हमने
हमारी अपनी शुक्राना है मांडी, नंदा जी जय गुरु जी, नन्नी जी जय गुरु जी, भारती गुप्ता जी जय गुरु जी, माला सक्सेना जी जय गुरु जी, सभी जय गुरु जी बड़ा बड़ा लिखे। तो वो वीडियो मैंने भी शेयर की, जब पता चला कि नहीं वो फेक है, डिलीट भी की। तो देखिए संगत जी, आस्था से खिलवाड़ क्यों करते हैं? इतने बड़े बुजुर्ग अंकल को एक आस्था से खिलवाड़ करने की भला क्या जरूरत थी, है ना? है तो गलत है। आप गुरु जी के नाम पे ऐसा क्यों कर रहे हो? और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा, देखो जी आज ऊपर से दरबार बंद है, क्या पता गुरु जी किसी भी रूप में ब्लेस कर सकते हैं, और वैसे भी कई बार करते भी है, इस तरह ब्लेसिंग्स देते भी है। और फिर वीडियो बनाने वालों की गलती, जिन्होंने वीडियो बनाकर पोस्ट की, है ना, आपने कुछ जाना नहीं पहचाना नहीं, तुरंत वीडियो बनाई और तुरंत पोस्ट कर दी और वायरल कर दी, वेरी बैड। हमारे जैसे लोग ही हैं वो, वीडियो बनाओ लेकिन जब तक आप खुद उस चीज के लिए एग्री नहीं है, खुद आपको नहीं पता है कि क्या ये सच है, तो वो वीडियो पोस्ट भी मत करो। तो रात को मैंने लेट वो वीडियोज डिलीट की है, क्योंकि संगत जी मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था और बस में फोन बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, जिसके कारण वीडियो डिलीट करने में थोड़ी मुझे देरी लगी। लेकिन हाथ जोड़ के मैं उन सभी लोगों से यही विनती करती हूँ कि आस्था से खिलवाड़ मत करो, ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? देखो आपकी इन हरकतों से जो सच्चाई में भी सब होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है। भगवान ना करे साक्षात रब आके खड़ा हो गया ना, तो फिर लोग उनको पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना। कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया, तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जिस सब यकीन करते हैं, दौड़ते हैं, बचपन से हम सुनते हैं शेर आया है, और जिस दिन सच्ची में शेर आ गया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो जिस दिन सच्ची में गुरुजी ने आके ब्लेसिंग्स दे दी ना, तो फिर कोई पहचान ही नहीं पाएगा, यही बोलेंगे सब कि शायद वैसा ही कोई सीन होगा। और जब मुझे सबसे पहली बार डुगरी में किसी ने ये वीडियो दिखाई ना, तो हमारे साथ शीतल आंटी थी, निशु अंकल थे, हमारे गुरु संगत के और भी लोग थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि वीडियो देख के कि मुझे नहीं लग रहा ये गुरु जी है, क्योंकि अगर ये कोई पावर होती ना, तो बॉडी में ना एक अलग तरह की शिवरिंग होती है संगत जी, है ना, आपके रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन मैंने कहा अंकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये गुरु जी नहीं है। तो फिर हमसे हमारे साथ एक आंटी थी, उन्होंने कहा शायद गुरु जी एज्ड हो रहे हैं ना, तो उनकी ऐसी शक्ल मतलब थोड़ा ऐसी लुक हो गई है, तो आप आंटी पोस्ट कर दो वीडियो, ये गुरु जी या दर्शन पहुंच जाएंगे सभी तक। तो देखो संगतों की भी बात माननी पड़ती है जब आप सभी के साथ चलते हो। तो मैंने भी पोस्ट की, लेकिन मेरे में वो फीलिंग्स नहीं आई थी, सच्ची बताऊं तो मेरे में फीलिंग्स हैं सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के लिए, जो डुगरी से मेरे साथ आए हैं, और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है, चाहे बड़े मंदिर जाऊं चाहे कभी डुगरी जाऊं। और कल के दिन सच्ची में मुझे बड़ा फील हो रहा था, किस लिए फील हो रहा था मैं आपसे वो भी साझा करती हूँ। संगत जी कल ना मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई वहां जाके, जो हमेशा आती है जर्जर आंसुओं को बहना, और ऊपर दरबार के जब दर्शन नहीं हुए, तो कुछ सिस्टम सच्ची में नहीं अच्छा लगा वहां का कल। एक्चुअली या तो शायद ज्यादा भीड़ थी इसीलिए वो दर्शन नहीं करा रहे थे ऊपर के, लेकिन काफी सारे लोगों ने वहां देखा है कि वो पीछे के रास्ते ऊपर VIPs को लेके जा रहे थे। तो देखिए गलत कौन है? हमारे जैसे लोग। भाई ये VIP क्या है? क्या VIP जहाज में उड़ के आए हैं, तो जो बसों और गाड़ियों में या ऑटो में आए हैं उनके पैसे नहीं लगे हैं वहां तक पहुंचने में? क्या उनके मन की आस्था नहीं है कि वो गुरुजी के दर्शन करें? जो VIPs हैं उनके मन में ज्यादा आस्था है, अगर आस्था होती ना उनके मन में तो ये VIP दर्शन होते ही नहीं। वो भी कहते कि हमें सीधी सादी लाइन में लगाओ, सब संगतों के साथ हमें दर्शन कराओ। सबसे पहले बुरी बात यही है संगत जी। आंटी होना भी चाहिए, बहुत से लोग विदाउट आदमी को गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो गुरु जी दिखाते हैं वैसे, एक्चुअली हेमा आंटी कई बार अपना होने का प्रमाण देते हैं। जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं बाजार में गई थी, मेरे साथ एक BJP की कार्यकर्ता आंटी से मैं बात कर रही थी, तो रास्ते में एक अंकल मिले, लेकिन मैंने आपसे ये भी क्लियर किया था कि वो हूबहू गुरु जी नहीं थे, उनकी लुक लग रही थी वैसे। और मैंने वो वीडियो बना के पोस्ट भी लिखी थी, मैंने उनकी कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, मैंने एक अपना सत्संग शेयर किया था। दिखाते हैं गुरु जी अपना होना, होने का प्रमाण देते हैं, लेकिन ये जो कल हुआ है ना, आपको क्या लगता क्या वो सच्ची में एक अंकल की गलती होगी? वो प्री प्लान्ड एपिसोड हुआ है संगत जी, जहां जहां तक मेरी सोच है, बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है।
किसी भी अकेले पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी दुनिया इतनी संगत में इस तरह का नौटंकी करे, है ना। कभी भी याद रखिएगा, एक अकेले सिंगल पर्सन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह की नौटंकी आके करे। कोई तो हाथ रहा होगा उनके साथ, और जो भी रहे होंगे वो भी कमाल के होंगे जो आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वेरी बैड गुरु जी, माफी देना ऐसे लोगों को जो आस्था से खिलवाड़ करते हैं, और साक्षात आप उनको दर्शन देकर गुरु जी समझाना। तो संगत जी, ऐसी बातों भी अगर हम बोलते रहेंगे तो फिर सभी बोलेंगे कि अनुराधा आंटी क्लियर बोल देती है सब कुछ, और फिर लड़ाइयाँ और फिर बातें और फिर धमकियां आने लगेंगी मुझे भी। तो मैं धमकियों से नहीं डरती, मैं गुरु जी के करिश्मों से इतनी बाग बाग हो चुकी हूँ कि मैंने इतना कुछ गुरु जी ने दिखा दिया है, गुरु जी का हाथ है सिर पे, तो सत्य बोलने के लिए मैं कभी भी डरूंगी नहीं। और यदि आप मुझे सब रूप में शिव जी के दर्शन है हुए आरती के टाइम, तो देखो अब इनको घर पे ही शिव जी के दर्शन हुए। तो ये होती है चीजें, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं काटते हैं। सो डोंट डू सच थिंग्स, ऐसा काम मत करें। अब परसों एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा था जिसको यहाँ हाथ गुरु जी का हिलता दिखा, है ना। तो देखो सब होता है, लेकिन उसमें वो प्लानिंग कुछ भी नहीं है, अपने आप आपको दिख रहा है। अब आप कोई अंकल उठ के खड़े होके ऐसे चले गए, अब इतने संसार में इतनी दुनिया में लाखों के हिसाब से कल वहां दुनिया थी, तो अकेले आदमी की ये साजिश नहीं हो सकती। बाकी गुरु जी सब जानते हैं, हमें किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलना है जब तक हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं तो इसी में खुश हूँ कि शुक्राना गुरु जी, आपने दरबार बुलाया, हमें ब्लेस किया, लेकिन थोड़ा सा वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो हमेशा डुगरी में जाके होती है। और उदास थी और बोल के गई थी कि गुरु जी गले से लगाना है, और ऊपर दरबार के दर्शन ही नहीं हुए तो गुरु जी गले से लगाने के लिए खुद आ गए, खुद आ गए। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है हमारे लिए। दी मुझे स्वरूप चाहिए वाइट चोले में। मधु जी, सबसे पहले जब आपने बोला ना वाइट चोला, तो ये आपने अपनी चॉइस बताई है ना। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है ना तो बोला करो आंटी हमें ब्लेसिंग चाहिए, तो ब्लेसिंग में कुछ भी आपको मिले वो ब्लेसिंग है। लेकिन आप अपनी चॉइस बता रहे हो वाइट चोले वाला आपको एग्जैक्टली चाहिए, तो प्लीज मधु जी, अगर आप बाजार से भी ले सकते हो, अगर मेरे पास होगा मैं भी दूंगी। इस तरह का कह रहे हो ना जैसे ये पड़ा है वाइट चोले वाला, तो मेरे से भी ले सकते हो, लेकिन जब आपको चॉइस बतानी है ना तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। तो संगत जी बस मैं यही कहूंगी, जल वर्षा होती है, अमृत वर्षा, शहद वर्षा, ये सब जब चीजें होती है ना, तो जब तक आप खुद भी अपनी आंखों से नहीं देखते हो ना, तब तक आप मत पोस्ट करो। तब तक आप, मैं भी नहीं पोस्ट करती जब तक मैं कंफर्म नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्म कैसे होती हूँ, मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। मैं कंफर्म होती हूँ कि एक पावर जब सच्ची में होती है ना, आइए ना सुषमा आंटी आप मुझे करिए रिप्रेजेंट, जब कोई पावर के दर्शन होने होते हैं ना, जब कोई सच्ची में ये सच्चाई होती है ना, तो मेरी बॉडी में ना शिवरिंग शुरू हो जाती है, मेरे गूज बम खड़े होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मुझे बोलते हैं ये हरकतें, ये मेरी एक्टिविटीज कि हाँ ये सच है। जब मैंने आपको बोला कल मैंने वीडियो देखी तो मुझे वैसा कोई फील नहीं आया, लेकिन कल क्या हुआ, परसों रात को जब मैं लाइव सत्संग में थी, तो ये फोन का कवर है ना, कवर है तो इसमें गुरु जी का स्वरूप है, तो आपके यहाँ रखे रखे ही यहाँ सामने सामने इस पे शहद वर्षा शुरू हो गई थी। और कल पूरे रास्ते संगत जी छोटे 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 डॉट्स इस पे बनते रहे, इतने डॉट्स बने कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो जो चीजें जो मैं खुद देख रही हूँ अपनी आंखों से, मैं वही आपसे शेयर करूंगी। मैं किसी के कहने पे नहीं कुछ शेयर करती। जैसे एक बार एक आंटी जम्मू की हमारी है, उन्होंने मुझे गुरु जी के दर्शन भेजे अपने घर के, तो तुरंत ही उनका कोई होगा क्रिटिसिज्म कहीं, तो उनकी मुझे कॉल आ जाती है, वो कहती है आंटी ये ना फ्रॉड कर रही है, ये अपने घर पे ऐसे करती है ऐसे करती है, और वही वो शेयर करती है। मैंने कहा आपकी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है इनसे, आपने देखा है? कहती नहीं लोग बोल रहे थे। तो एक होता है लोग बोल रहे थे, एक होता है आपने खुद क्या देखा। तो लोगों की मत सुनो, अपनी आंखों से जो देख रहे हो इस जर्नी में, जो गुरुजी आपको दिखा रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट करो।
है ना, जो खुद आप अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो, उस जर्नी में बिलीव करो। अब मैं झूठ नहीं बोलती, जैसे मैंने बताया कि कल वो ऑरा, वो फीलिंग डुगरी में नहीं थी जो हमेशा हमें होती थी। मैं पर्सनली अपने लिए बोल रही हूँ, बहुत सारी संगतें गई थी, दो बसेस गई थी, मैं उनकी नहीं बता रही, मैं अपना एक बता रही थी। और सुने सुनी थी एक्चुअली, क्यों सुनी थी आपको पता है, मेरे साथ हमेशा मेरे गोलू, जिनका नाम मैंने डाला मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का एक स्वरूप, कट आउट वाली ब्लेसिंग हमेशा डुगरी जाती है। तो गुरु जी के आदेश से कल मैंने वो वहां किसी को दी और हाथ खाली खाली थे मेरे, और मैंने कहा गुरु जी आज इतना प्यार भी आपसे नहीं मिला और आपको भी मैं यही छोड़ के जा रही हूँ, मैं कैसे जाऊँ आपके बिना। तो बिलीव मी संगत जी, गुरु जी आ गए इस रूप में और इनके संग उनकी बेटी भी आ गई उन्हीं के घर में। तो इससे बड़ा शुक्राना और मैं क्या कहूंगी। तो आशा से खिलवाड़ मत कीजिए, किसी दिन साक्षात गुरु जी आ गए तो कोई पहचान नहीं पाएगा, वही आंखें पहचानेंगी जिनके पास पहचानने की पावर होगी। जय गुरु जी। सुषमा आंटी कैसी हैं आप जी? जय गुरु जी आंटी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए। संगत जी मैं नींबू पानी पी रही हूँ क्योंकि मुंह पूरा पक गया है, तो सॉरी। मैं अकेले अकेले गए, कल मेरे को बुलाया आपने, जैसे मैंने आपको लाइव देखा ना, मेरा मन इतना रोने लगा कि मुझे कोई उठा के ले जाए। अपने हस्बैंड के ना 9:30 बजे जब आपने लाइव देखा होगा ना, तो आपकी हाजिरी तभी लगी, हम अकेले नहीं थे, आप सबका प्यार हमारे साथ। और मैं एंजॉय कर रही थी, शीतल आंटी का अलग से खोल रही थी, मतलब टर्न वाइज आपका फटाफट खोल रही थी, कोई ना कोई लाइव आए और मैं एंजॉय करूं डुगरी मंदिर के, मतलब जो भी संगत जा रही है बहुत एंजॉय किया। और जो वहां कल आपको गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए वो भी सोच कितना घिनौना है। ये आस्था से खिलवाड़ है, हम यही कहेंगे जिन्होंने भी किया है, जिसने भी किया है, किस मकसद से किया है, ये वही जानते हैं, है ना? आपको पता है जब आपका व्लॉग मैंने देखा ना कि गुरु जी साक्षात दर्शन डुगरी में, तो मैंने एट द मोमेंट ना वहाँ के एक सेवादार हैं जो मंदिर के अंदर होते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, तो मैंने ना उनको अंकल को किया, मैंने कहा अंकल ऐसा सच में हुआ है? वो ना एक मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए और कहते आंटी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी जिसने भी ये ढोंग रचाया था ना वो अभी सब पुलिस स्टेशन में है, जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे वो सब। मेरे हस्बैंड भी देखने लगे, बच्चे भी कहते मम्मा लग तो पूरे गुरुजी रहे हैं, लेकिन देखो कितना ढोंग इन्होंने रचा गुरुजी बन के। और मतलब ये तो एक मैसेज भी गलत है संगत के लिए अकेली, कि देखो बहुत गलत है। और आंटी मैं यही तो कह रही हूँ कि जिस दिन गुरुजी साक्षात सामने आ गए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, प्रलय आएगा, प्रलय सीधी बात है, प्रलय आएगा क्योंकि गुरु जी में वो। और मेरे को एक्चुअली मैं कल जैसे मुझे पता चला ना आपका वो देखा ना, तो परसों ये आशीष भैया परसों जा रहे थे डुगरी सैटरडे को, तो मुझे फोन करके बोलते क्या कहते हैं कि मंदिर खुलेगा। मैंने कहा नहीं भैया आज नहीं, कल खुलेगा मंदिर, क्योंकि महीने में एक ही बार खुलता है। तो आशीष भैया बोलते आशीष भैया इज सच ए गुड पर्सनैलिटी, गुड ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने धर्म का इतना प्रचार किया है। और सच्ची में मैं फर्स्ट टाइम मैंने उनसे कल बात की है। देखो जब तक आप जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे, है ना? सच्चे गुड सोल आशीष भैया। पहले परसों जब वो चले गए, फिर मैंने ना उन संगत के साथ जो वहाँ पे सेवादार है उनके साथ टाई अप कराया, मैंने कहा ये आशीष भैया हमारे डोगरा जर्नलिस्ट हैं और ये इनका नंबर है, ये आपका नंबर है, आप टाई अप करना और इनको वहाँ अच्छे से दर्शन कराना। और जो भी बाहर, मुझे पता था यहाँ करण नगर से एक बस जा रही है, तो मैंने कहा जो भी संगत होगी ना एक बार बाहर, अंदर तो इंटरव्यू लेने का कोई फन नहीं होगा, बाहर जाके संगत से आप कर सकते। जैसे मैंने आपको देखा कल लाइव, तो मैं आशीष भैया को कॉल करूं, मैं कहा आशीष भैया अनुराधा आंटी गई है, प्लीज उस संगत का ना इंटरव्यू करना, वहां से भी एक आपका वो एपिसोड बन जाएगा। कहते जरूर। फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने पिकनिक किया, फिर मैंने शीतल आंटी को किया, फिर दूसरी आरती आंटी को किया, मैंने कहा जैसे तैसे आप इंटरव्यू करो, आप वहां से अच्छा लगेगा हमारे गुरु जी का प्रचार। एक्चुअली आंटी गुरु जी करवाना चाहते थे, बहुत अच्छा लगा
लगा, देखो टच वुड सबकी हाजिरी लग गई, गुरु जी की संगत तो गई थी, लेकिन मेरा मन ना कल बहुत रो रहा था। 9:30 बजे मैंने जिद लगाई अपने हस्बैंड से, संगत गई है मुझे कैच करना, उनको जैसे मर्जी चलो, बच्चे भी तैयार, मेरे हस्बैंड नहीं कहते 9:30 बजे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, नहीं पहुंच पाएंगे 4 बजे तक। हम जिद मत कर, हाजिरी तभी लग गई जब आपने गुरु जी को सच्चे मन से याद किया ना, तो गुरु जी ने आपकी हाजिरी एक्सेप्ट की है। मन से याद किया ना गुरु जी को तो हाजिरियां लगती हैं। और सच ही बताओ ना, बहुत बड़ा दरबार है गुरु जी की जन्मभूमि है डुगरी, और कितनी ब्लेस्ड धरती है वो, लेकिन जब ऐसा माटी को उठा के ऐसे अपने माथे से लगाओ, क्योंकि गुरु जी ने एक ऐसा शिव रूप शिव अवतार उस धरती पे, इतनी स्वच्छ धरती है वो जहाँ पे हमारे गुरु जी पैदा हुए हैं, जो कि हम सबके बीच में नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहाँ की स्थानीय लोगों ने ही दी है, जो वहाँ के रहने वाले गुरु जी के घर के बिल्कुल साथ, देखो ना फिर, और गाड़ी रुकवाई है उन्होंने और बाइक पे आए हैं, कितनी दूर, कम से कम 1 घंटा आगे हम पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि मुझे ना एक अंदर से तकलीफ हो रही थी, गुरु जी आज मुझे वो दर्शन भी नहीं मिले और आप भी आज मेरे साथ नहीं हो, और मैं रो रही थी मन ही मन, सिर्फ आंसू नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन गुरु जी मोटरसाइकिल पे बैठ के आए और आ गए। फिर देखो साक्षात गुरु जी वेलकम करने के लिए आए, और इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग मिलनी चाहिए आपको। बिल्कुल आंटी जी, वी आर सो ब्लेस्ड। मैं वही संगतों को समझा रही हूँ कि गुरु जी की इस जर्नी में आपको साक्षात गुरु जी दिखेंगे भी, लेकिन जब ऐसी आस्था से खिलवाड़ होगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसको कहते हैं रियलिटी में गुरु जी अंग संग है, अंग संग है, अंग संग एक के नहीं, सब 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 जितने संगत गुरु जी के साथ, सबके अंग संग है। हम कहते हैं ना जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। माननीय आंटी कैसे हैं आप? बस ठीक, आप सुनाए आंटी कैसे हैं? बढ़िया, गुरु जी का आशीर्वाद है। हम तो अलग अलग आपके शेयर हुए, फिर लोग बोलते हैं मीडिया का सहारा क्यों, मीडिया गलत कुछ भी नहीं कर रही, मीडिया के दोनों एंगल है, एक गलत एक सही, जो सही कर रहे हैं उन पे रोक आप लगाते हो, जो गलत कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा देते हो। सबसे पहली बात, जो कल हरकत हुई है ना, वो एक सिंगल पर्सन की प्लानिंग नहीं है, वो प्लानिंग सिंगल पर्सन की नहीं है, रिहर्सल की ही होगी, पूरी पूरी रिहर्सल की ही होगी गुरु जी बनने के लिए, ऐसे नहीं हो सकता, सिंगल पर्सन से नहीं हो सकता है, इस पे हम बहसबाजी को नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल पर्सन की प्लानिंग से नहीं होती। लेकिन वो सब अंदर है इस समय, उनसे बहुत बड़ा वो, बेशक उन्होंने माफी मांगी है जिन अंकल ने ऐसा किया, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ सेवादार भी इन्वॉल्व हैं, कुछ सेवादार भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जब वीडियो भी बनी है तो बड़े सारे लोगों ने देखा है कि मिलती जुलती वीडियो बनी है, एग्जैक्टली फोकस नहीं हुआ है। नहीं, हिलती क्योंकि कभी इधर कभी इधर, वो मतलब एक ना, मतलब कहते हैं गुरु जी जो आपके नाम का मजाक भी बना रहे हैं, आप उनको भी सदबुद्धि दो, उनको भी ज्ञान का राह दिखाओ गुरु जी, उनको भी अपनी शरणी लगाओ। और हम लोग तो भाई ऐसे धर्म में चले हैं, ऐसे भारत देश में हमारा जन्म हुआ कि हम पत्थरों में भी, हमें माँ शिव है, हमारे पत्थरों में ही हमारे वीर बजरंग जी का वास है, पत्थरों में ही हमारी माँ की पिंडियों का वास है, तो हम बिलीव करते हैं भाई, है ना आंटी जो। लेकिन ये जो गुरु जी का ये ड्रामा कल हुआ है ना, ये डुगरी मंदिर से नहीं क्रिएट किया है, ये पीछे से दिल्ली से क्रिएट हुआ है ये वाला ड्रामा, ये यहाँ से नहीं हुआ, ये प्री प्लान है, मुझे सारा पूरी हिस्ट्री पता चल गई इनकी, पूरा वो सेवादार अंकल ने सब सच्चाई बता दी कि ऐसे ऐसे प्लान था कल डुगरी के लिए, लेकिन वो पकड़े गए। चलो जी, शुक्राना गुरु जी का आप सबसे मिलाने का, क्योंकि अभी सत्संग जाना है, हम लोग छठने के सत्संग है, और सबसे ज्यादा मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन दूर मेरा ना काफी दिनों से मन कर रहा है कि, हालांकि मेरे को कुछ नहीं है कि अभी सत्संग इतना जल्दी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि जैसे जैसे गुरु जी एक सत्संग करवाओ मेरे घर में, एक सत्संग करवाओ गुरु जी, कोई पता नहीं, मेरा कुछ नहीं पता होता, अगर आज है ना कल मैं रेडी भी हो जाऊंगी, चलो
चलो जी आओ आओ सत्संग कर लेंगे, कोई प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन जो गुरु जी का हुक्म होगा आंटी आधी रात, गुरु जी के लिए तो 24 घंटे, अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, देखो आंखें मेरी स्वेल हो रही है, लेकिन जो सेवा गुरु जी ने दी है वो नसीब वालों को मिलती है ना, तो जहाँ जाना है वहां जाना है। नहीं, अगर आपको हुक्म आया है गुरु जी का, ये किसी पब्लिक का नहीं, ये गुरु जी का हुक्म आया है। वो परीक्षा भी लेते हैं कि मैं देख रहा हूँ तेरे में कितना स्टेमिना है, कि तू कहती है 24x7 इतनी लेती है कि मैं अपने सच पे भी मजबूर हो जाती हूँ कि नहीं दूसरों की सुननी पड़ती है, इतनी परीक्षा लेते हैं। गुरु जी ऐसी परीक्षा मत ले, इस लाइक तो समझा है ना गुरु जी ने, इस लाइक समझा है तभी परीक्षा लेते हैं ना। और बाप बेटे का रिश्ता ऐसा है कि वो लाइफ टाइम का बॉन्ड है, और चाहे परीक्षा ले चाहे प्यार दे, और ये बॉन्ड ऐसे बना रहे। संगत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, ये जो मैंने आज संगत जी ड्रेस पहनी है ये उन्होंने मुझे दिल्ली से भेजी है, देख लो भाई आंटी मैंने पहना हुआ है, और वही पहन के आज मैं सत्संग में जा रही हूँ, बड़ा ही प्यार उन्होंने भेजा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे प्यार दिया करो, और आपका प्यार मेरे लिए बेहद जरूरी है संगत जी। तो सुनीता आंटी देख लो मैंने सूट पहन लिया भाई, कल का जो आपका सूट कलर था मोहो कलर, मुझे याद आया लास्ट टाइम जब मैं डुगरी गई थी सेम कलर पहन के गई थी मैं, मोहो कलर इतना प्यारा लग रहा था। और आंटी जब से गुरु जी को यहाँ ग्रीन चोले में बैठी है ना, तब से मुझे हर जगह गुरु जी ग्रीन चोले में ही दिख रहे हैं। सबसे पहले इतने ब्यूटीफुल से दर्शन दिए गुरु जी ने, जैसे हम डुगरी पहुंचे 5 कबूतर गुरु जी के बिल्कुल राउंड राउंड ऊपर घूम रहे थे, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के मंदिर के ऊपर घूम रहे थे, और कहीं भी नहीं आगे पीछे जा ही नहीं रहे थे। बहुत सारी संगतों ने कल ये दर्शन किए होंगे, राउंड 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 घूम रहे थे। और उसके बाद जैसे ही गुरु जी के मंदिर में एंट्री की, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई इतनी बड़ी, और मेरे को तो आदत है कि मुंह नहीं बंद होता, मैं कहा ओ गुरु जी, तो लोग भी मुझे ऐसे देखने लगे कि ये पागल है, सच्ची में पागल है। तो जब कुछ चीजें होती है, जब वो अंकल ने गुरु जी के रूप में दर्शन दिए तो आप भी थे ना वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी, जय गुरु जी जय गुरु जी। तब हमने सोचा नहीं ये तो सच है सारा, क्योंकि आप वहाँ पे हो, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि ये फेक है ये ऐसा है, तो हमारा ना दिल टूट गया। तब मैं थी नहीं, जब वो अंकल जी के दर्शन कर रहे हो आप, जो अंकल जी ने वीडियो, नहीं, वो आप उस वीडियो में आवाज सुनना, सेम आपकी आवाज है। मैं तो वही तो अपनी बातें शेयर कर रही हूँ कि जब वो वीडियो मेरे पास आई, मुझे उधमपुर से किसी संगत ने भेजी, तो उस वीडियो को देख के मैंने कहा नहीं ये नहीं है। मैंने डायरेक्टली बोला शीतल आंटी को, हमारे एक अंकल अनिशु अंकल और गुरु संगत खड़ी थी, मैंने कहा ये गुरु जी होते मेरी बॉडी में शिवरिंग होती, क्योंकि कुछ ना आपकी जो एक जितना रिश्ता होता है ना उतनी आप में वो पावर भी देती है पहचान करने की, है ना। लेकिन होता क्या है, मैंने अभी आपसे इससे पहले एक बात कही ना, आपको अपने सच पे भी विश्वास होता है लेकिन आपको दूसरों की भी सुननी पड़ती है, कहा ना मैंने। तो मुझे संगत ने कहा जी नहीं गुरु जी अब एज्ड हो रहे हैं, तो उनका ऐसा रूप हो गया, ये गुरु जी ही है, आप वीडियो शेयर कर दो। तो मैंने वीडियो शेयर कर दी, पता नहीं क्या हो गया इस मम्मी पुला रहे हैं, पता नहीं मेरे कैमरे को क्या शुक्राना, गुरु जी के चरणों में हाजगी लगी, आपका बड़ा शुक्राना जो आपने अंकल से हमें मिलवाया, और सच्ची में नाम मिलते तो शायद हम उनके बारे में जान भी नहीं पाते, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राशि गुप्ता जी, नहीं सुनीता मैं नहीं थी वहां, मेरी आवाज नहीं थी, वो पहले 12 बजे से वीडियो वायरल हुई थी, मेरी बाकी शोर कोई मेरी तरह होगा डालने वाला बेचारा आस्तिक जो हर चीज पे बिलीव करता होगा। तो चलिए संगत जी मेरे को निकलना है, क्योंकि 1.25 घंटा लगेगा जहाँ पे सत्संग के लिए जाना है, 1.5 घंटे से 1.25 घंटा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ सत्संग में, तो गुरु जी का शुक्राना, और ये दर्शन कर लीजिए जो डुगरी से मेरे साथ गुरु जी आए हैं, तो आप सबको भी गुरु जी का आशीर्वाद मिले, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। मेरे रब जी सब नु माफ करो, सब दा भला करो, और सब नु खुशियां ही खुशियां दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रात को मिलते हैं लाइव में, और उससे पहले आपको पता ही है सत्संग में मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगी, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, टाटा बाय बाय, जय गुरु जी।